हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये भव्य नज़ारा हमारे अयोध्या का है और ये अयोध्या की मंदिर है जो कि अब दुल्हन की तरह सज चुकी है। खूबसूरत तरीके से इसका भव्य नज़ारा है और देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक। ये फूलों के द्वारा बनाई गई धनुष है और ये यहाँ पर उपस्थित सभी VVIP और सारे लोग जिनको आमंत्रित किया गया है अयोध्या में, सब सम्मिलित हो चुके हैं और यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि में भगवान मंदिर के सामने है और अभी इस मंदिर का इनॉग्रेशन होने वाला। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे और हमारे योगी आदित्यनाथ जी। आज हमारे हिंदुओं के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे राम मंदिर बन चुका है और इसका इनॉग्रेशन भी हो रहा है। कितने वर्षों से इसके लिए कितने लोगों ने बहुत ज़्यादा त्याग किया और आज वो त्याग सफल हुआ है। आज हमारे इस भव्य मंदिर का नज़ारा देखने लायक है और पूरी दुनिया हमारे देश को बधाई दे रही है और पूरे विश्व में कई प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं और सभी देशों में आज इसको बहुत धूम और धाम से मनाया जा रहा है। और ये अयोध्या की तस्वीरें हैं, लाइव प्रसारण हो रहा है, इसमें सभी भगवा कलर में नजर आ रहे हैं, सब अभी अपने ऊपर गमछा डाले हुए हैं। और ये फ्रंट का सीन है जहां पर आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हैं और ये कैमरा में ये फ्रंट सीन है हमारे मंदिर का, जो रामलला का मंदिर बन के भव्य तैयार हुआ है अयोध्या में। और इसकी खूबसूरती को आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत ढंग से इसको बनाया गया है और आज एकदम इसको दुल्हन की तरह सजाया गया, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्पों का उपयोग करके इसको एकदम सजीव रूप दे दिया गया और इसको देखकर बहुत ही खुशी हो रही है और हर्षोल्लास का माहौल है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हमारे फिल्मी सितारों के, बॉलीवुड के बहुत सारे हीरो हीरोइंस आए हैं और साउथ भारत के भी बड़े बड़े एक्टर आए हैं जिनको हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आमंत्रित किया था। इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता को आप देख सकते हैं, ये दिखाया जा रहा है इस वीडियो में कितने सुंदर और खूबसूरत ढंग से इसको सजाया गया है। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के रंगों का उपयोग किया गया है और पट्टियों से सजाया गया है और ये सुरक्षा कर्मी है जो यहाँ पर उपस्थित हैं और बड़ी बड़ी LED TV लगाई गई है जिसके ऊपर इसका सजीव प्रसारण हो रहा है। कितने सुंदर दृश्य दिख रहा है, इसमें सभी ताजे पुष्पों का उपयोग किया गया है और इसमें कई रंगों के पुष्पों का उपयोग किया गया है जिसमें भगवा रंग है और पीला रंग है, जिससे आप देख सकते हैं कितना आकर्षक दिख रहा है और खूबसूरत लग रहा है। अयोध्या में आज अयोध्या को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है और सिक्योरिटी बहुत ही सख्त सिक्योरिटी लगाई गई है कि किसी भी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न न हो और रामलला के मंदिर का उद्घाटन आज हो सके। ये आप देख सकते हैं, ये इसके किनारे का है जहाँ पर कितने अच्छे से सजाया गया है इसको। यहाँ पर जय श्री राम लिखा गया, ओम बनाया गया और जगह जगह इसको अच्छे ढंग से सजाया गया, कोई कमी छोड़ी नहीं गई है कि इसकी खूबसूरती में कोई कमी आए। आप देख सकते हैं, आपको वीडियो देखकर कैसी लगी, यदि अच्छी लगेगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को और आपको इस प्रकार की वीडियो मेरे YouTube पे मिलती रहेगी। ये आप जितने भी हिंदू हैं, जितने भी लोग हैं, आप सभी देखकर बहुत ही खुशी हो रहे होंगे कितनी भव्यता से हमारे इस मंदिर को सजाया गया है और अब खूबसूरत दिख रहा। हम लोग बहुत वर्षों से इंतजार करते आए हैं कि हमारी मंदिर बन जाए और आज अयोध्या मंदिर बन चुकी है। ये सरकार है BJP का और कोई बना सकता था तो वो BJP की सरकार, इसीलिए आज BJP की सरकार को लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसके बहुत सारे अच्छे काम हैं। लोगों ने बहुत लालसा दी थी कि मंदिर को बनवाया जाएगा लेकिन बनाया नहीं गया। मंदिर बनकर इसका निर्माण हुआ तो BJP की कार्यकाल में और अब आप देख सकते हैं इसकी कितना खूबसूरत तरीके से इसको बनाया गया है और सजाया गया है। आज इसकी खूबसूरती देखने के लायक और पूरे विश्व में सारे लोग अपने अपने देशों में इसको आयोजन कर रहे हैं। अमेरिका में भी आज रैली निकल रही है, इंग्लैंड में भी आज रैली निकली है, भिन्न भिन्न देशों में। ये भव्य नज़ारा ये मंदिर का फ्रंट एरिया जहाँ से आप देख सकते हैं इसकी खूबसूरती को, कितने अच्छे और आकर्षक ढंग से सजाया गया। आप सभी को देख कर ये वीडियो कैसी लगी, यदि अच्छी लगेगी तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हर भारतीय